अपडेट दे दें, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने तीसरा गोल्ड मेडल हासिल किया है। 20 साल के अचिंता शेवली ने पुरुष वेटलिफ्टिंग के 73 किलो भार वर्ग में यह मेडल जीता है। अचिंता शेवली ने स्नैच में रिकॉर्ड 143 किलो का वजन उठाया है। वहीं क्लीन एंड जर्क में वह 170 किलो भार उठाने में सफल रहे हैं। कुल मिलाकर उन्होंने गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए कुल 313 किलो वजन उठाया है और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अचिंता ने कहा है, मैं बहुत खुश हूं और कई संघर्षों को पार करने के बाद मैंने ये मेडल जीता है। मैं इस मेडल को अपनी भाई और कोचों को समर्पित करूंगा और इसके बाद मैं ओलंपिक की तैयारी करूंगा। खास बात यह है कि कॉमनवेल्थ 2022 में भारत को अभी तक 6 पदक वेट लिफ्टरों ने दिलाए हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक में विजेता मीराबाई चनू ने 49 किलो भार वर्ग में सोना जीता था। वहीं जेरेमी लाल रिंगवा ने भी 67 किलो भार वर्ग में भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। संकेत महादेव सरगर पुरुषों की 55 किलो भार वर्ग में एवं बिंद्रयानी देवी ने भी महिलाओं के 55 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इसके अलावा गुरु राजा पुजारी ने 61 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहे हैं। तो ये रही कॉमनवेल्थ से जुड़ी अपडेट। तो अचिंता शेवली का शानदार सफर जो है वह रहा है, जहां पे आपको बता दें पिछले साल उज्बेकिस्तान के ताशकंद में रजत पदक जीतने में सफल रहे थे। तो पूरा आपको सफर बता रहे हैं। 73 किर्गा वर्ग में भी कुल 313 किलोग्राम उठाकर रजत पदक हासिल किया था। तो दिसंबर 2021 में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के 73 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था और वहीं कुल 316 किलोग्राम का वजन उठाकर पोडियम में शीर्ष स्थान हासिल किया था। तो पूरी जर्नी आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, गोल्ड मेडल जीतने के बाद ही बर्मिंगम का टिकट कटाया था और साथ ही 2019 के राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे थे। तो पूरी जर्नी जहां आप सभी को बताया कि क्या कुछ हमारे खिलाड़ी की कॉमनवेल्थ के अंदर जर्नी रही। कॉमनवेल्थ से जुड़ी हर एक अपडेट आपको JK 24/7 न्यूज